नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय हम खड़े हैं करनाल इंद्री रोड पर बाईपास के पास। ये बलेरो गाड़ी जिसने वरना गाड़ी को टक्कर मारी है, आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जिसने वरना गाड़ी को टक्कर मारी है। हम वरना गाड़ी की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये वरना गाड़ी है जिस पर टक्कर मारी गई है। पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वरना गाड़ी है, वो इंद्री रोड से आ रही थी करनाल की तरफ, ये गाड़ी जा रही थी और इस गाड़ी के अंदर एक महिला, वो अपने पति के साथ अपने बच्चे के साथ सवार थी। लेकिन जैसे ये सड़क आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी टूटी हुई है, जैसे ये गाड़ी स्लो होती है यहाँ पर पीछे से एक ब्लेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। आप ये गाड़ी देख सकते हैं, वरना गाड़ी है जिसका नंबर है HR07AA0144। और इस गाड़ी में जो लोग सवार थे, गनीमत ये रही कि उन्हें चोट नहीं आई है। लेकिन दूसरी गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसने टक्कर मारी है, उसके अंदर देसी शराब की पेटियाँ हैं। ये जो गाड़ी है वो शराब डिलीवर करने जा रही थी। कहाँ पर जा रही थी शराब डिलीवर करने ये नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके जो ड्राइवर है उस पर आरोप भी लगाया गया है कि ये तेज गाड़ी चला रहा था। जिस शख्स ने गाड़ी मारी है उससे भी हम आपको बातचीत करवाएंगे, साथ ही साथ जिस की गाड़ी वरना गाड़ी थी उनसे भी हम आपको बातचीत करवाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जो वरना गाड़ी का पीछे का एरिया है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। पूरी जो डिग्गी होती है वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है और ये गाड़ी एकदम टक्कर लगने के बाद टेढ़ी होकर दूसरे रोड पर जा गिरी है, डिवाइडर क्रॉस कर दिया है। फिलहाल गनीमत ये रही कि इस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग सवार थे वो सेफ हैं। तीन लोग सवार थे, एक बच्चा, एक महिला और एक शख्स जो गाड़ी चला रहा था, यानी कि उस महिला का पति। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो गाड़ी है जिसने टक्कर मारी है, इसके अंदर देसी शराब की पेटियाँ हैं और ये गाड़ी शराब डिलीवर करने जा रही थी। आगे से मैं इसकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि कहाँ से टक्कर मारी गई है। ये ब्लेरो गाड़ी आप देख सकते हैं कि आगे से टक्कर मारी है, जिसके बाद इसके भी थोड़े से ढांचे के अंदर जो है स्थिति में बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन जो गाड़ी शख्स चला रहा था जिनको टक्कर मारी है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था और किस तरीके से टक्कर मारी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है, पुलिस को जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है ये उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिनकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हुई है वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी गाड़ी को टक्कर मारी है, किस गाड़ी ने टक्कर मारी है? ये महिंद्रा बलेरो है जी, ये दारू की सप्लाई करने वाली गाड़ी है। आप देख भी सकते हैं इसमें पीछे दारू है लोड। कहाँ से कहाँ जा रहा है? इंद्री से अपने घर की तरफ जा रहा था करनाल, तो रास्ते में ये गड्ढा, मैंने थोड़ी गाड़ी स्लो कर दी, तो स्लो करने के कारण इसने अंदाजा नहीं हुआ, ये पीछे स्पीड में था, 100 के करीब इसकी गाड़ी की स्पीड थी और आपको पता है 7 बजे तक इनका ठेके का टाइम होता है, स्पीड के कारण इसने गाड़ी पूरी भगा रखी थी, इसे कंट्रोल नहीं हुई तो इसने पीछे से आके सीधा गाड़ी में पीछे मार दिया। तो आपकी गाड़ी डिवाइडर क्रॉस, गाड़ी टक्कर लगने के बाद भी देखो कितनी दूर तक स्किड करके गई है और इसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और पीछे से सारी गाड़ी डैमेज कर दी है। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेबी है, वो ठीक है? हाँ, तीनों सेफ है। वो गाड़ी तेज चला रहा था? गाड़ी तेज चला रहा था, 100 के करीब इसकी। आपने चोट नहीं लगी? आपने पुलिस को कॉल किया? मैंने अपनी फैमिली को कॉल कर दिया, आ रहे हैं। पुलिस को भी कॉल किया? पुलिस को नहीं कॉल। पुलिस को भी आप एक बार कॉल कर दीजिए ताकि जानकारी उन तक भी पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ी है जो पीछे से पूरी तरह डैमेज हो गई है, जिसने टक्कर मारी है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज मास्क वाला है, तो आप देख सकते हैं कि जो शख्स गाड़ी चला रहा था उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो शराब की सप्लाई कर रहा था। सर, आप गाड़ी चला रहे थे? क्या हुआ था, किस तरह? मोटरसाइकिल बाइक आ गई आगे, सामने से बाइक के बचाने के चक्कर में इस गाड़ी में लग गई है गाड़ी। तो गाड़ी आप तेज चला रहे थे ऐसा वो कह रहे हैं? नहीं नहीं, गाड़ी तेज नहीं थी गाड़ी, इन्होंने अपने ब्रेक मारा, तो ब्रेक लगने के बाद बाइक वाले को बचाने के चक्कर में इस गाड़ी। तो गाड़ी में शराब की डिलीवरी हो रही थी? हाँ हाँ। कहाँ लेके जा रहे थे आप? ये अपना चौचड़ा लेके जा रहे थे। चौचड़ा लेके जा रहे थे, देसी शराब है उसके अंदर? हाँ, देसी शराब। देसी शराब,
पुलिस को कॉल किया आपकी तरफ से भी? नहीं, आपकी तरफ से नहीं किया गया। तो किसी की भी तरफ से फिलहाल पुलिस को कॉल नहीं किया गया है, लेकिन हमने आपको दिखाई है जो तस्वीरें हैं, ये करनाल इंद्री रोड का जो बाईपास है, बलड़ी बाईपास, उसके पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल गनीमत ये रही कि जो वरना गाड़ी में लोग सवार पूरी तरह से डैमेज हो गई है और गाड़ी की जो डिग्गी होती है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद गाड़ी दूसरे रोड पर भी जा गिरती है। आप देख सकते हैं डिवाइडर को तोड़ते हुए गाड़ी उस साइड गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी रफ्तार के साथ इस पर टक्कर लगी होगी। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, जो शराब के ठेकों का समय है वो 6:45 तक रहता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये जो शराब है वो लेकर जाई जा रही थी चौंचड़ा गांव के अंदर, लेकिन जो इसकी रफ्तार है वो ज़्यादा तेज़ थी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस शख्स ने गाड़ी मारी है उसकी तरफ से भी ये कहना है कि बाइक वाला सामने आ गया था, उसको बचाने के प्रयास के अंदर ये हादसा हुआ। लेकिन आप जब भी रोड पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, किसी भी रोड पर चलते हैं, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार आपको धीमी रखनी है। अगर आप तेज़ गति से गाड़ी चलाएंगे तो इस तरह के जो हादसे होते हैं उसका शिकार हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस को कॉल कर दिया गया है एक पार्टी की तरफ से, और पुलिस भी शायद मौके पर जल्द ही पहुंचेगी। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में जितना घर से बाहर कम निकला जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर आपको रफ्तार का ध्यान ज़रूर रखना है, अपनी गाड़ी की रफ्तार का ध्यान ज़रूर रखना है। क्योंकि हमने पिछले 2 या 3 दिन के अंदर देखे हैं जो लगातार सड़क पर, हाईवे पर, रोड पर हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा रही है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। और ये जो हम आपको खबर दिखा रहे थे ये करनाल इंद्री रोड के पास बलड़ी बाईपास के पास से दिखा रहे थे, जहां पर एक वरना गाड़ी को टक्कर मारी जाती है एक बलेरो गाड़ी की तरफ से, और उस गाड़ी के अंदर शराब थी, शराब डिलीवर करने के लिए लेकर जाया जा रहा था चौचड़ा गाँव में। फिलहाल पुलिस को कॉल कर दिया गया है और पुलिस भी जल्दी ही मौके पर पहुंचेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों से अपील है कि अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, और किसी ज़रूरी काम से अगर आप घर से बाहर निकलते हैं सड़क पर अपनी गाड़ी को लेकर तो रफ्तार थोड़ी धीमी रखिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।